हेलो गौरव पायल रसोई में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ जिमी कांदा। इस तरह से होता है। इस सब्जी के बारे में बहुत ही कम जानते हैं लोग। आप किसी भी सब्जी दुकान में चले जाओ, ये आसानी से मिल जाता है। इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसका जो छिलका है थोड़ा हार्ड होता है, इसको पहले काट लेंगे, आराम से काट लें। इसका छिलका इस तरह से उतार लेंगे, छीलने के बाद अच्छे से धो लेंगे। आसानी से उतर जाता है, ये अंदर से नरम होता है, ऊपर से हार्ड होता है थोड़ा सा। या फिर आप मार्केट से भी कटवा के ला सकते हैं। मैंने इस सब्जी का छिलका उतार के रख लिया है। अब इसको मैं अच्छे से धो लूंगी, फिर पनीर के जैसे काट लूंगी पीस पीस में। यदि आप इस सब्जी के नाम कोई और नाम से जानते हैं तो कमेंट करके बताएं। मैंने इस तरह से काट के रख लिया है। ये सब्जी 250 ग्राम है। 2 टमाटर, अदरक का टुकड़ा, लहसुन 4 है, इसको मैं पीस के पेस्ट बना लूंगी। उसके लिए 2 प्याज बारीक चॉप किया हुआ है। सबसे पहले कढ़ाई रख दिया है सब्जी को फ्राई करूंगी। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें तेल डाल रही हूँ, मैं सरसों का तेल यूज कर रही हूँ। इसको फ्राई करना है। तेल हमारा गरम हो गया है, ज्यादा गरम नहीं है, मीडियम गरम में इसको फ्राई करना है। एक साथ डाल देंगे सारे को। अब इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। थोड़ी देर में ब्राउन हो जाएगा। सब्जी को बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब बना के देखें। सब्जी वैसे देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन बहुत सरल है। ये हमारा जिमी कांदा फ्राई हो गया है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। इससे ज्यादा फ्राई नहीं करना, काला पड़ जाएगा। तेल को मैं निकाल लेती हूँ। इसी कढ़ाई में सब्जी बनाऊंगी। सब्जी बनाने के लिए मैं थोड़ा तेल रख दिया है, 1 चमचा के करीब है। सबसे पहले 1 चम्मच जीरा, छोटा चम्मच है, 1 तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा,
एक लाल मिर्ची, थोड़ा सा तड़क जाए, ये जो प्याज काट रखी थी ये डाल रही हूँ। इसको भी अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। अब प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो उसके बगैर भी आप बना सकते हैं सब्जी को, सिर्फ टमाटर डाल के, अदरक डाल के। अभी जो टमाटर को पीस रखा था ये डाल देती हूँ। इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच भर के सूखा धनिया पाउडर, इसमें एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप मिर्ची कम ज्यादा कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। ये मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, साइड में तेल छोड़ने लगा है। इसमें 1 गिलास पानी डालूंगी। इसको बॉयल आने तक पकाते हैं। इसको मैं 2 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ। बॉईल हो चुका है, इसका ढक्कन हटा लेती हूँ। अरे जो सब्जी फ्राई किया हुआ था ये डाल देती हूँ। इसको भी ढक के 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके सीम आंच पे पकाएंगे। मैंने गैस को धीमी कर दिया। एक बार चेक कर लेती हूँ, 5 से 7 मिनट हो गए, सब्जी बन के तैयार हो गई हमारी। देखो कितना अच्छा कलर आया हमारी सब्जी का। इसमें किचन किंग पाउडर डाल देती हूँ, आधा चम्मच। मैगी मसाला आधा चम्मच, एक मिनट के लिए इसको पकने देते हैं। सब्जी का टेक्सचर देख लो, अच्छी तरह से गल गया है। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ।
एक चम्मच भर के अमचूर पाउडर, कसूरी मेथी, लास्ट में गरम मसाला। मैं गैस को बंद कर देती हूँ। सब्जी हमारी बनके तैयार है। इसमें धनिया पत्ता डालूंगी, हरा धनिया और डाल रही हूँ। जिमी कांदा की सब्जी बनाने की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।